Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I'm Sakshi, your computer teacher. So, आज हम start कर रहे हैं आपके book का chapter 3, जिसका नाम है Managing Files and Folders. इस lesson में हम learn करेंगे कि हम हमारे computer के files और folders को कैसे manage करते हैं. Okay? हम सीखेंगे कि हम हमारे computer के files को कैसे create करते हैं. ओके कैसे उन्हें रीनेम करते हैं, कैसे फाइल्स को कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, डिलीट करते हैं. ओके सो आज हम इसमें पढ़ेंगे विंडो एक्सप्लोरर के बारे में. सो विंडो एक्सप्लोरर क्या है? एक एप्लीकेशन है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन सी ड्राइव्स हैं. ओके और ड्राइव्स में कौन कौन से फोल्डर हैं, फाइल्स हैं. सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है विंडो एक्सप्लोरर से. और हम सीखेंगे कि हम किसी भी न्यू फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करने के बाद क्या होगा? शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा. शॉर्टकट मेन्यू में हम क्लिक करेंगे न्यू पर. ओके न्यू पे क्लिक करने के बाद एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा और हम क्लिक करेंगे फोल्डर पर. उससे क्या होगा? एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. हम फोल्डर को हमारे अकॉर्डिंग नेम प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके सो हम फोल्डर का नेम चेंज कर देंगे जिस नेम से हमें फोल्डर क्रिएट करना है और वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. और हम इसमें सीखेंगे कि हम फाइल्स को कैसे कॉपी करते हैं और कैसे मूव करते हैं. ओके जैसे कि हम इसमें सीखेंगे कि एक लोकेशन पर एक फाइल पड़ी है चिल्ड्रन, ठीक है, और हमें उसे दूसरी लोकेशन पे मूव करना है या फिर उसकी एक कॉपी को हमें दूसरी लोकेशन पे क्रिएट करना है. सो हम इसमें फाइल कॉपी कैसे करते हैं और मूव कैसे कर सकते हैं वो भी हम इसमें लर्न करेंगे. ओके चिल्ड्रन सो लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन 3 दैट इज मैनेजिंग files and folders. In this lesson we will learn how to manage files and folders of the computer. Okay children, so देखिए इसमें हम window explorer के बारे में पढ़ेंगे और हम folder को कैसे create करते हैं, open करते हैं, कैसे move करते हैं, copy करते हैं, ठीक है, delete, restore, search, ठीक है. तो हम जो भी ऑपरेशंस किसी भी फाइल या फोल्डर पे परफॉर्म करते हैं हम उनके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट मेंशन करते हैं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विंडोज एक्सप्लोरर होता क्या है? ओके सो विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एप्लीकेशन that provides detailed information about files, folders, drives. Okay, so underline कीजिए जो window explorer होता है children वो क्या है? एक application है, ठीक है. window explorer क्या है? window explorer is an application that provides detailed information about files, जिसमें हमें files के बारे में, folders के बारे में और drives के बारे में detailed information मिलती है. ओके इट ऑफर्स यू टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स. इससे हम क्या करते हैं? हमारी फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करते हैं. यू कैन यूज इट टू व्यू, क्रिएट, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स. इसके यूज से हम फाइल्स को व्यू देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं चिल्ड्रन, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. ओके सो टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर, हम विंडो एक्सप्लोरर को ओपन कैसे करते हैं? टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम, देन एसेसरीज, देन विंडो एक्सप्लोरर ऑप्शन. ओके ये स्टेप है, हमें याद करने हैं स्टेप कि हम इसे कैसे ओपन करते हैं. नेक्स्ट है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट द कंप्यूटर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन. या फिर हम क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और राइट साइड से कंप्यूटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे.
ठीक है. देन द विंडो एक्सप्लोरर विंडोज अपीयर, से क्या होगा, जो विंडोज एक्सप्लोरर की एप्लीकेशन है उसकी विंडो ओपन हो जाएगी. ठीक है, ये देखिए कंपोनेंट्स दिए हुए हैं विंडो एक्सप्लोरर में. इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस बार, ये देखिए इसमें क्या है, पाथ लिखी हुई है कि हमने पहले क्या ओपन किया है, पहले हमने कंप्यूटर ओपन किया है, फिर हमने ये ड्राइव ओपन करी है, उसके बाद हमने ये फोल्डर ओपन किया है. सो एड्रेस बार हमें क्या बताता है, शोज द कंप्लीट पाथ ऑफ द सिलेक्टेड फाइल और फोल्डर. हमें ये कंप्लीट पाथ बताता है कि हमने कौन से फोल्डर को ओपन किया है, सिलेक्ट किया है. देखो यहाँ पे है सर्च बॉक्स, यहाँ साइड में हम यहाँ पे कोई भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं. ठीक है, उसके नेम से हम सर्च कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे शो हो जाता है. दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स यू द ईजीएस्ट मैनर टू सर्च एनी फाइल और फोल्डर. ओके, ये क्या है, नेविगेशन पेन है. नेविगेशन पेन डिस्प्लेज ड्राइव्स एंड फोल्डर्स, जो हमारे कंप्यूटर में ड्राइव्स और फोल्डर्स होते हैं नेविगेशन पेन पे हमें वो शो होते हैं. ओके चिल्ड्रन, ये है जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, फाइल्स पड़ी है. ये क्या है, डिटेल्स पेन. ठीक है, ये डिटेल पेन है जिसमें हमें डिस्प्ले होता है. डिटेल पेन डिस्प्लेज द फाइल इन द करंट फोल्डर, जो करंट फोल्डर है उसमें कौन कौन सी फाइल्स है हमें वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है. ओके चिल्ड्रन, अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग एंड ओपनिंग अ फोल्डर, कि हम किसी फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं और ओपन करते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू क्रिएट अ फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट. सो आपने पढ़ा है ना चिल्ड्रन कि हम वर्ड में कैसे फाइल को क्रिएट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में. सो अब हम लर्न करेंगे कि हम फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं. सो स्टेप्स तो हैं कि हम फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, जो हमारा डेस्कटॉप है उसके ब्लैंक एरिया पे हम क्या करेंगे, एक राइट क्लिक करेंगे. देन अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स, तो उससे क्या होता है आपको पता ही है, एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाता है, एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है. शॉर्टकट मेन्यू में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. देन प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन, ये देखिए जब आप ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा. उसके बाद आप जो पॉइंटर आपके माउस का उसको यहाँ न्यू पे लाएंगे. ठीक है, न्यू पे लाने के बाद क्या होगा, ये सब ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे. ठीक है, ये सब मेन्यू ओपन हो जाएगा. प्लेस द पॉइंटर ऑन द न्यू ऑप्शन, अ लिस्ट ऑफ सब ऑप्शन अपीयर्स, क्लिक ऑन द फोल्डर ऑप्शन, अ न्यू फोल्डर आइकन विल बी डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप. ओके, जैसे हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा चिल्ड्रन, जो डेस्कटॉप है वहाँ पे हमारा एक फोल्डर बन जाएगा. ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा डेस्कटॉप पे, न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. टाइप अ नेम फॉर द फोल्डर एट द कर्सर पोजीशन एंड प्रेस द एंटर की. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फोल्डर बनाया है उसको नेम दे सकते हैं. ओके, नेम देने के बाद हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे. अ न्यू फोल्डर इज क्रिएटेड, इससे क्या होगा, एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, एक न्यू फोल्डर बन जाएगा. नेक्स्ट है मूविंग और कॉपिंग अ फाइल फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर. मूविंग अ फाइल फोल्डर मीन्स शिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन सोर्स टू अनदर लोकेशन डेस्टिनेशन. देखिए किसी भी फाइल को या फोल्डर को मूव करने का क्या मतलब है, कि जहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन मीन्स जहाँ पे वो अभी पड़ा है फोल्डर, ठीक है, उसको हम सोर्स बोलते हैं. और जहाँ पे हमें उसे पहुँचाना है, जहाँ से हमें उसे कॉपी, जहाँ पे मूव करना है, उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हम एक लोकेशन से जहाँ पे फोल्डर पड़ा है उसको वहाँ से मूव कर रहे हैं, उसको वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ पर, जहाँ पे हमने उसको पहुँचाना है, जहाँ पे हमने उसको दूसरे फाइल दूसरी जगह पे स्टोर करना है. ओके, वेयर इज कॉपिंग अ फाइल फोल्डर मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर. कॉपिंग अ फाइल फोल्डर का मतलब होता है कि हमें एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं. ठीक है, हमने एक फाइल सेलेक्ट की,
उसको कॉपी किया, इट मीन्स हम उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कहीं और स्टोर कर रहे हैं. ओके चिल्ड्रन, टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ डी ड्राइव डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन. अगर हमने डी ड्राइव के कंटेंट्स को देखना है, फाइल्स को देखना है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करेंगे, जो कि कहाँ होता है, डेस्कटॉप पे होता है. इट विल डिस्प्ले द हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी ड्राइव्स, रिमूवेबल डिस्क ड्राइव्स एंड द नेटवर्क लोकेशंस दैट आर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर. सो उसमें हमें क्या शो होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव्स शो होंगी, सीडी, डीवीडी ड्राइव्स, रिमूवेबल डिवाइसेस. तो हमें ये अलग अलग नेटवर्क लोकेशन जो भी हमारे कंप्यूटर में ड्राइव्स हैं वो हमें शो होंगे. नाउ डबल क्लिक ऑन द डी ड्राइव आइकन. उसके बाद हम क्या करेंगे, डी ड्राइव पे डबल क्लिक करेंगे, डी ड्राइव के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे. इट विल डिस्प्ले ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन इट. जो भी डी ड्राइव में फोल्डर्स या फाइल्स हैं तो वो क्या होंगी, वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगी. ओके, देन क्या होगा, सेलेक्ट एनी फाइल एंड फोल्डर डैट यू वॉन्ट टू मूव और कॉपी. जो फाइल हमने जो फोल्डर या जो फाइल हमने मूव करनी है या कॉपी करनी है हम उसको सेलेक्ट करेंगे. ओके, देन क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज बटन एंड सेलेक्ट द कट कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे ऑर्गेनाइज का ऑप्शन है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे. इसके बाद क्या होगा कि ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन है ना, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे. ओके, फ्रॉम द लेफ्ट पेन सेलेक्ट द ड्राइव वेयर यू वांट टू मूव कॉपी द फाइल से ई. उसके बाद हम लेफ्ट पेन में देखेंगे कि हमने हम वो जगह सेलेक्ट करेंगे, वो ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने उस फाइल को मूव या कॉपी करना है. ठीक है, से ई, आप मान लीजिए कि आपको ई में कॉपी करना है, देन आप क्या करेंगे, नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू. अब देखिए हमने कॉपी तो कर लिया है, फाइल को कॉपी तो कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, फाइल को पेस्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पेस्ट वाला ऑप्शन भी कहाँ आएगा, ये देखिए ऑर्गेनाइज पे जाके यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो वहीं से ही हम क्या करेंगे, पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. उससे क्या होगा, नोटिस डेट द फाइल गेट्स मूव कॉपी टू द न्यू लोकेशन. जो हमारी न्यू लोकेशन है, जो हमारी लोकेशन है ई, जो ई ड्राइव में है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी जो फाइल है वो वहाँ पे मूव हो गई है, वो वहाँ पे कॉपी हो गई है. ओके चिल्ड्रन, ये देखिए चिल्ड्रन, हम यहाँ पे गए स्टार्ट बटन पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ रहा है ना, हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे. ओके, सो ये हमारी जो भी कंप्यूटर की फाइल्स हैं ये ओपन हो गई हैं. ये देखिए ये है नेविगेशन पेन, जहाँ पे हमें शो हो रहा है कि हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी ड्राइव्स हैं. ठीक है, कौन कौन से फोल्डर्स हैं. ये है एड्रेस, एड्रेस यह है एड्रेस बार. यहाँ से हमें, हम जो भी ड्राइव में जाएंगे हमें उसका एड्रेस मिलता रहेगा. जैसे कि हम यहाँ पे मान लीजिए सी में गए, तो यहाँ पे देखिए सी ओपन हो गई ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एड्रेस आ जाएगा. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सर्च बार, जो भी हमने फाइल को सर्च करना है वो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, अब हम लर्न करेंगे कि हम कैसे फोल्डर को क्रिएट करते हैं. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करेंगे. ठीक है, और उसके बाद ये शॉर्टकट मेन्यू अपीयर हो जाएगा. उसके बाद हम क्लिक करेंगे न्यू पे. न्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना फोल्डर का ऑप्शन, तो हम क्या करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, फोल्डर बन गया है. हम इसको यहाँ पे अपनी मर्जी से क्या दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमने नेम दिया, जैसे हमने यहाँ पे इसको नेम दिया ग्रेड 5. ओके, सो ये क्या है, ग्रेड 5 के नेम से यहाँ पे फोल्डर बन चुका है.
सो आज हम इतना ही करेंगे। आपको जितना भी लेसन रीड करवाया है आपको उस लेसन को रीड करना है। ओके सो बाय चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।